नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कुछ महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करेंगे। बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई बिल्हा के द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के तहत 14/8/2023 को ग्राम हथनी एवं ग्राम पोड़ी में चौपाल लगाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता हेमचंद मिरी जी ने समाज के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और तमाम तरह के शोषण के खिलाफ खुलकर मुखर हुए। और इस अवसर पर मूल निवासी समाज की जान जानवरों से भी सस्ती हो गई है, उनके वक्तव्य थे, जिनके प्रतिकार करने का समय आ गया है। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर सत्ता में काबिज होने पर ही समाज में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। उक्त मौके पर जिम्मेदार साथी डीडी लहरे महेंद्र जांगड़े और उत्तर भास्कर सहित बहुत से साथी गण उपस्थित रहे। इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात करें तो सारंगढ़ में ऐतिहासिक रहा जिला स्थापना के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ का पहला स्वतंत्रता दिवस। जी हां, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने किया यहां पर ध्वजारोहण। भूतपूर्व सैनिक एवं पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों का हुआ सम्मान। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भी हुए सम्मानित। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यह भी रायगढ़ क्षेत्र से सामने आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में स्कूलों में छात्र छात्राओं को बांटी जाने वाली पुस्तकें अब कबाड़ के दुकान में शिक्षक ही बेच रहे हैं। जी हां, शिक्षक ने कबाड़ में बेची स्कूली किताबें। वन कर्मियों ने वाहन चेकिंग के दौरान इस बड़े घोटाले को पकड़ा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा नियमितीकरण। जी हां, यह कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। यह है एक बड़ा बयान जिसमें संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने कह दी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए रिपोर्ट। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पे सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों और प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। संविदा कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के डीए और वेतन वृद्धि का ऐलान किया गया है। इसी बीच डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि नियमितीकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनका ख्याल रखा गया है। वहीं संविदा कर्मी 27 वेतन वृद्धि पर नाखुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का कहना है कि वेतन में 27% की वृद्धि की गई है, जबकि वास्तव में 48% होना था। शासन द्वारा उक्त घोषणा नियमित वेतन मान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को देने की बात कही गई। इस दौरान आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। 4% बढ़ोतरी होने पर अब 800 रुपए करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई है, जिसमें 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4,000 रुपए का मासिक वृद्धि भी की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे टीएस सिंहदेव ने कहा कि 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए मासिक बढ़ोतरी भी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को सहना पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने शासन से अपील की है कि वह आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर वास्तविक मांगों का वास्तविक समाधान करने का प्रयास करें, जिसे छत्तीसगढ़ शासन का जनघोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा होता दिखाई पड़े। वर्ष 2018 के जनघोषणा पत्र में सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण व छटनी नहीं किए जाने का वादा किया गया था, जो कि आज पर्यंत पूरा नहीं किया गया है।